दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पे। और आज हम बात करेंगे FVP ट्रेडिंग के बारे में। FVP ट्रेड जो आप सभी जानते हैं कि स्कैम कर चुका लगभग लास्ट 10 दिन में। और यहाँ पे अगर स्क्रीन के ऊपर आपको दिखता होगा एक स्टार्ट ट्रेडिंग नाउ माय QR कोड, यहाँ पे QR कोड भी दिया है और सेम FVP ट्रेड का यहाँ पे लोगो बना रखा है, जिससे आपको ये पता ना चले कि ये FVP ट्रेड की वेबसाइट है या फिर कोई अदर वेबसाइट स्कैमर। ठीक है, यहाँ पे FVP ट्रेड खुद वो भी स्कैमर थी और ये तो उससे भी ज़्यादा स्कैमर निकला। क्यों है वो बताऊँगा। FVP ट्रेड जो लोगों को काफ़ी बड़ा चूना लगाया वो भी बताऊँगा। दूसरी बात कि लोगों को पता होना चाहिए कि जितने भी लीडर थे या फिर इन्वेस्टर थे उनको पता होना चाहिए कि भाई जब हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो वो खुद के MT4 टर्मिनल के ऊपर ट्रेडिंग करके पैसे जनरेट कैसे कर रहा है। ठीक है, वो उनका ध्यान नहीं था। वो मैंने उसके पहले भी मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए FVP ट्रेड के बारे में, परंतु उन्होंने किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसी तरह से अगर आपको नए नए वीडियो देखना है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना टीम के साथ। FVP ट्रेड ये यहाँ पे एक माइनस का निशान है, palm trading.com। यहाँ पे एक QR कोड दिया है जिसमें आपको ये बताया गया है कि स्टार्ट ट्रेडिंग नाउ माय QR कोड। जब भी आप QR कोड को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे या फिर आपके मोबाइल से या फिर कोई अदर चीज़ से, तो आपका क्या पता या तो मोबाइल का जो पूरा डेटा है उनके पास जा सकता है या फिर आपका जो फंड है डिडक्ट हो सकता है या फिर आपका FVP ट्रेड का जो अकाउंट है वो भी उनके पास ID पासवर्ड जा सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ऐसे जो भी स्कैमर है जिस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड दिख रहा है, स्टार्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो इनसे बचिएगा। ठीक है, ये क्या पता आपके मोबाइल को भी हैक कर सकते हैं, क्या पता आपके फंड को भी खाली कर सकते हैं, क्या पता कुछ भी हो सकता है, तो बचिएगा इससे। दूसरी बात कि यहाँ पे जब मैंने सर्च किया एक और वेबसाइट liveMT4.FVPTrade.com, यहाँ पे एक और डोमेन मिला जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रहा डोमेन नाम। ठीक है, तो यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग प्रोटोकॉल, लाइव अकाउंट, आपका यूज़र नाम आपको डालना है, पासवर्ड आपको डालना है और यहाँ पे आप साइन अप करेंगे तो आपका जो FVP ट्रेड में जो अकाउंट है वो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। बहुत सारे दोस्त जो इनके डोमेन को देखते नहीं है और फटाफट से लॉगिन करते हैं, परंतु क्या पता उनको ऐसा लग रहा है कि भाई आपका जो ID पासवर्ड है वो भी किसी के पास जा रहा है, क्या पता आपका जो सेम ID पासवर्ड किसी अदर चीज़ में अगर आपने रखा है तो वो भी सामने वाले स्कैमर के पास जा रहा है, तो इससे भी बचिएगा। चलो अब बात करते हैं कि एक और वेबसाइट FVP-UK.com, जो यहाँ पे एक ये भी एक स्कैम डोमेन है जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे एक सेम सिस्टम दिया है, डेमो ट्रेडिंग पोर्टल आप ओपन कर सकते हैं, तो इनसे भी आप बचिएगा। ठीक है, परंतु यहाँ पे जब आपने FVP ट्रेड यहाँ पे ज्वाइन किया था तो यहाँ पे 57 पेज का एक टर्म्स एंड कंडीशन मिला था जिसमें एक क्लियरली लिखा था भाई आपका फंड है, कभी भी आपको लॉस हो सकता है, परंतु यहाँ पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। तीसरी बात कि यहाँ पे हम बात करेंगे WikiFX एप्लीकेशन की, जिन्होंने पहले ही बोल दिया भाई कि FVP ट्रेड जैसी बहुत सारी जो कंपनियाँ हैं वो बड़े तरीके से स्कैम करती हैं, स्कैम करती रहेगी। ठीक है, तो आप इससे बचिएगा, इस जगह यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और FVP ट्रेड एक पोंजी योजना है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसी तरह से लोगों ने मतलब ये कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं लाइव, और यहाँ पे WikiFX एप्लीकेशन ने भी यहाँ पे उसको यही बताया। यहाँ पे अगर बात करते हैं इनका जो ओरिजिनल डोमेन यहाँ पे दिया है और यहाँ पे बहुत सारे जो लाइसेंस है वो भी यहाँ पे दिए, और इसके अलावा मैंने भी आपको बताया था भाई साहब FVP ट्रेड के पास लाइसेंस नहीं है और आने वाले दिनों में ये क्लोज होगा, तो भी आपने किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद अगर बात करते हैं NFA कॉमन फाइनेंशियल सर्विस, जो भी इनके पास लाइसेंस नहीं था किसी ने ध्यान नहीं दिया और क्लोज हो चुका है। WikiFX जो एप्लीकेशन है उनके उनको मतलब FVP ट्रेड के बारे में 30 एक्सपोजर पीस मिले हैं, जो एक और स्कैम करने के आपको यहाँ पे बढ़ावा देते हैं। जैसे कि जब आप WikiFX एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्च करेंगे तो इस तरह से आपको आएगा यूज़र रिव्यू,
अनेबल टू विथड्रॉ विड्रॉ मनी कैन ओपन ए विड्रॉल मनी। जब यहाँ पे आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो ये आपको ये बताएंगे भाई आप अगर आपका $5,000 है तो आप $500 डालिए, 10% डालिए या फिर 20% डालिए, उसके बाद में आप आपका जो फंड है वो आप यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। परंतु उनसे भी बचिएगा क्योंकि अगर आपका $5,000 लगा है और 500 और डालेंगे तो आपका 500 पूरा का पूरा यहाँ से निकल जाएगा, आपके पास में कुछ भी नहीं बचेगा। FVP ट्रेड जो अभी तक इनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर कुछ भी अपडेट नहीं है, किसी भी अपलाइन या फिर किसी भी जगह कोई भी अपडेट नहीं है, यानी कि अगर हम फेसबुक की बात करते हैं तो यहाँ पे भी कुछ भी अपडेट यहाँ पे नहीं है, ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी कोई भी अपडेट नहीं है और यहाँ पे इनके इंस्टाग्राम या फिर कोई अदर जगह भी कोई भी अपडेट नहीं है। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि अब बच के रहिए, क्योंकि कोई भी बंदा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है भाई वो पैसा कहाँ से दे रहा है, किस जगह से दे रहा है और कैसे दे रहा है, ये आपको रिसर्च एंड रिस्क करना अनिवार्य है। बाकी आपका पैसा हमेशा ऐसा जाता रहेगा, भले आप इन्वेस्टर हो, आपके अपलाइन भले आपका अपलाइन होगा जो आपको आपके पास से कमा लेगा, परंतु आपका पैसा है हमेशा आपके पास कभी नहीं रहने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो चल गया तो लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बच के रहिए ऐसी स्कैम वेबसाइट के बारे में आपको हमेशा बताता रहूँगा। तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।